आज 15 दिसंबर 2022 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 15 दिसंबर 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, हमारा रियलाइजेशन गहरा होने लगता है, अनुभूतियाँ बढ़ने लगती है, हम सभी संपूर्णता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऑन द वे, ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग कम्प्लीशन, हमको कुछ डेफिनेटली सीन्स दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारी बातें होने लगती हैं। शुरुआत में ये कभी-कभी होती है, आगे चलकर ये बढ़ने लगती है। उसके ऊपर आज की साकार मुरली है। बाहर से देखा जाए तो ये बातें एकदम साधारण लगती हैं, लेकिन अगर बहुत गहराई में जाए तो बहुत सुंदर अवस्था बन सकती है। मैं उसका अनुभव करता हूँ। भगवत गीता लौकिक की बहुत प्रिय होने के कारण बाबा की मुरली में वो भगवत गीता कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिफ्लेक्ट होती है, ये पता चलने लगता है। कितना सरल कर दिया बाबा ने और शास्त्रों ने उसको इतना कठिन कर दिया। हमारे में से ही कोई होगा जिसने ये श्रीमद् भगवत गीता भक्ति मार्ग में लिखी, क्योंकि हम कल्पवृक्ष की जड़ में हैं, ज्ञान के सागर शिव बाबा के साथ कंबाइंड है। तो संगम युग पर, जिसे बाबा ने कल परमात्म स्नेह युग कहा, जितना हम बाबा के स्नेह में समाते जाएंगे उतने श्रेष्ठ अनुभव हमको होने लगते हैं। ज्ञान के भिन्न भिन्न टचिंग्स आती है, तो वही अनुभव हम शब्द रूप लिखते हैं। यहाँ से हम जितना अनुभव करके जाएंगे उतना द्वापर में जब दुख आएगा तब हमको ये सब बातें याद आएगी कि किसी ने तो हमको सुख दिया था, संपूर्ण सुख दिया था, हमें संपूर्ण दुखों से मुक्त किया था। और तब ये बातें हम नंबरवार हमारी बुद्धि की स्वच्छता के आधार पर वहां पर इमर्ज करेंगे और शास्त्र लिखने में सहयोगी बनेंगे। आज 9वें अध्याय की बात आई है। 9वां अध्याय एक ही अध्याय है जो डायरेक्ट राजयोग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम ही है राज विद्या राज गुह्य योग। तो इस राजयोग के अध्याय में बाबा का जो मेन श्लोक है वो भी आया हुआ है, महामंत्र जिसे बाबा कहते हैं, मन मना भव। और इस राजयोग अध्याय में दूसरा श्लोक है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। और पहले श्लोक में परमात्मा कहता है कि इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्षाम्य अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तुम दोष दृष्टि विरहित भक्त के लिए इस गोपनीय विज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिससे तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो इस गोपनीय विद्या का है गुह्यतम,
इस गुह्यतम ज्ञान को जानने के बाद हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं और ये सबसे पवित्र है और ये राज विद्या दिलाने वाला राजगुह्य है। तो ये राज शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि राजयोग में राज समाया हुआ है और अव्यक्त महावाक्य बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते हैं। बहुत सुंदर महावाक्य है लेकिन ये धारण होना जरूरी है। वैसे भी कोई से हम मिलते हैं तो हम हालचाल पूछते हैं और उस समय हम पूछते हैं कि राजी खुशी हो, माना जो राजी होता है वही खुश होता है, जो राजी नहीं है वो खुश कैसे होगा। इसलिए ये शब्द मुझे अच्छे लगे, हालचाल शब्द भी बहुत अच्छा लगा और ये राजी का बाबा ने जो रास बताया है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने कहा था, कोई अगर आपसे पूछे कि हालचाल कैसा है तो बाबा ने कहा था फलक से जवाब दो कि हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। टोटल ट्विस्ट, बाबा ऐसी बातें कहता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। दुनिया में कहते खाली हाथ आएंगे खाली हाथ जाएंगे, बाबा कहता है रॉन्ग, ब्राह्मणों के लिए कहावत नहीं है, ब्राह्मणों के लिए कहावत है आए थे तभी भी भरपूर होकर आए थे और जाएंगे तभी भी भरपूर होकर ही जाएंगे। तो यही बात आज बाबा ने मुरली में कही है कि कौन सी श्रेष्ठ मत हमको सबको सुनाना है। तो जिसने इस राज को जान लिया कि ये कयामत का समय है, कल मुझे बहुत रहम आया उस आत्मा के ऊपर, बेचारे शास्त्रों को पकड़ के, अभी उसका इंटरव्यू चल रहा है एक बहुत बड़े संस्था का, बहुत बड़ा स्पीकर है, भगवत गीता के ऊपर बोलता है। उसको इंटरव्यू ने पूछा कि अभी कौन सा युग चल रहा है, तो उन्होंने कहा ऑब्वियस कलयुग है। और फिर उन्होंने पूछा कितना अभी बाकी है, तो बोलते हैं अभी कलयुग में 4,27,000 साल बाकी है, अभी केवल 5,000 साल ही हुए है। तो मुझे इतना रहम आ रहा था कि बेचारे ये शास्त्रों के वजह से कितना गफलत में है। और यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहा है कि बच्चे कयामत से पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुक तो कर लो। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इसी को राज कहते हैं। ये राज दुनिया को पता ही नहीं है, ड्रामा का, आज के मुरली में ड्रामा का राज, गुह्य राज हमारे सामने आया है। और जो अच्छे बाबा के बच्चे हैं वो अपना 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करेंगे कि भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे और विनाश के पहले, कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा जो कुछ भी करना है अभी करना है, अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में पश्चाताप होगा। तो जो स्पिरिचुअल व्यक्ति रहते, आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिनकी आंखें खुल गई है, तीसरा नेत्र खुल चुका है, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं। उनको पता है कि मुझे अभी अकाउंट्स क्लोज करने हैं। बुद्ध की कहानी याद आ रही है, एक गांव में उनका प्रवचन था, सभी लोग आए थे लेकिन बुद्ध प्रवचन चालू नहीं कर रहे थे। तो किसी ने पूछा किसके लिए राह देख रहे हो, तो बोला एक व्यक्ति को मैंने वायदा किया था कि जब मैं एनलाइटन हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें वो ज्ञान सुनाऊंगा, मैं उस व्यक्ति की राह देख रहा हूँ। तो लोग सोच रहे कौन वो व्यक्ति होगा, बहुत देर हो गए। तो एक छोटी सी बच्ची आई और जो वो आई तब बुद्ध ने अपना प्रवचन चालू किया। ब्रह्मा बाबा की कहानी अगर आप देखोगे पढ़ोगे जरूर सुनना चाहिए, बहुत मोटिवेशनल है हमारी यज्ञ की कहानियां स्थापना के वक्त की।
बाबा को कितने लोगों ने विरोध किया, अंदर से भी विरोध हुआ, बाहर से भी विरोध हुआ। तो दादियाँ सुनाती है, कलेक्टर के ऑफिस में गए और कलेक्टर अथॉरिटी रहते हैं, उल्टे सुलटे प्रश्न पूछे और बोला, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया। अभी दादियाँ साथ में खड़ी है, दादियों को गुस्सा आ रहा है कि हमारे बाबा को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल चुप शांत, और दादियों को भी कहा कुछ नहीं बोलना है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम है, ये आज की मुरली है। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुक तू करना है, जिसको हिसाब किताब बढ़ाना है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिसको ईश्वरीय ज्ञान समझ में आ गया है उसको इतना तो अवश्य समझ में आता है कि जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव्स कहते हैं, इनके साथ हमारा ज़्यादा हिसाब किताब होता है लौकिक, और फिर दूसरा है अलौकिक परिवार। जिस सेंटर पर हम जाते हैं, जो टीचर है, वहाँ के स्टूडेंट है, भाई बहन है, इनके साथ भी हम अनेक जन्म रहे हुए हैं, वही आत्माओं के अंग संग हम आएंगे। तो जिसको ये समझ है कि इन आत्माओं के अंग संग मैं क्यों आ रहा हूं, क्योंकि हिसाब किताब है, लेन देन है, तो जब ये समझ मेरे अंदर है और जब ये हमारी आत्माएं जो साथ में है वो पेपर बनकर हमारे सामने आती है, तो जो समझदार आत्मा है, ज्ञानी योगी आत्मा है, वो ज्ञान के आधार पर अपने आप को स्टेबल रखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। क्योंकि बेहद का ज्ञान जब हमारे बुद्धि में रहता है तब हमको ये पता चलता है कि दीज आर अकाउंट्स गेटिंग सेटल। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नया अकाउंट क्रिएट करें ये भूल कर कि पास में हमने इनको दुख दिया था, या फिर हम इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए साक्षी हो के बाबा की याद में रहे। और यहाँ पर ही नंबर बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण इसलिए दिया, मम्मा का उदाहरण, दादियों का, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। बाबा ने ये बात आज स्पष्ट रूप से कही है, सार में ही कही है कि लौकिक हो या अलौकिक, परिवार से तोड़ निभाना है, और किसी में भी मोह नहीं रखना है। तो तोड़ निभाना है मतलब क्या? तोड़ निभाना मतलब निमित्त मात्र चलना, अंदर से अपनी अवस्था बहुत अच्छी रखनी है, शुभ भावना छोड़नी नहीं है। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए और हमको लगता है कि वो व्यक्ति गलत है, तब हम अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ जाते हैं। और ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आना, बाबा ने कहा था, विकर्म है, और फिर वो नया अकाउंट क्रिएट होता है। तो जो ज्ञानी और योगी आत्मा होगा, आज की पूरी मुरली का अगर एक ही टेक होम लेना है, कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा किसी का शरीर भी छूट जाए क्योंकि सबसे बड़ा पेपर ये होता है कि किसी का शरीर छूट जाए, तो बाबा ने कहा ड्रामे के पट्टे पर मजबूत रहना है। तो बिल्कुल राजी रहना है हर क्षण हर सेकेंड, अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस, अटेंशन रखना है, ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार करना है। देखो लौकिक ऑथर भी कहते हैं, मुझे याद आ रहा है डॉक्टर दीपक चोपड़ा अपने किताब में लिखता है कि अगर ड्रामा की कोई सीन आपके सामने आती है तो उसको रेजिस्ट मत करो, क्योंकि वो सीन बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको पता भी नहीं है,
वो काम कर रहे होते हैं, एक लौकिक ऑथर लिख रहा है, लेखक लिख रहा है, वो कहता है सीन आई मतलब ड्रामा में वो होने वाली है, आप उसको रेजिस्ट मत करो, उसको समझो, समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एप्रोप्रिएट क्रिएटिव रेस्पॉन्स दो। ये एक लौकिक ऑथर कह रहा है। तो हमारे सामने ड्रामा प्लान अनुसार बहुत सारे सीन आई है, आ रही है और आते भी रहेंगे। तो चेक करना चाहिए कि जब ये ड्रामा प्लान अनुसार पेपर्स हमारे सामने आते हैं तो मेरी अवस्था कैसी रहती है। क्या मैं, जैसे बाबा ने आज कहा, अचल अड़ोल स्टेबल रहता हूँ, मजबूत रहता हूँ, राजी रहता हूँ, या मैं नाराज हो जाता हूँ। तो अगर हम नाराज होते हैं तो समझने का कि अभी तक हमने ड्रामा को समझा नहीं अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान कभी नाराज नहीं होता है। किसी का शरीर छूट जाए तो भी भगवान नाराज नहीं होता है। मुझे याद आ रही है, हमारे कुमार थे ज्ञान सरोवर में, बहुत अच्छा कुमार था, बहुत सेवा करता था, टू व्हीलर से नीचे जा रहा था तो माउंट अबू के रोड पर उसका एक्सीडेंट हुआ और शरीर छूट गया। तो बाबा को पूछा, बाबा ये इतना अच्छा कुमार था, इतनी सेवा की, आपने उसको बचाया क्यों नहीं, सेवाधारी हड्डी सेवाधारी। बाबा ने जवाब दिया, उस आत्मा का उस स्थान पर उसी ड्राइवर के साथ हिसाब किताब था। आई वॉज शॉक टू लिसन टू द आंसर ऑफ बाबा। बाबा का ये जवाब बहुत सोचने पर मजबूर करने जैसा, इतना एक्यूरेट स्थान है, इतना एक्यूरेट ड्रामा है कि उसी स्थान पर है हिसाब किताब और उसी व्यक्ति के साथ है और वैसे ही होना है। अगर इतना हमारा ड्रामा के ऊपर अटेंशन है तो हमको स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं हम, तो कई प्रोग्राम में बहनें बहुत मेहनत करती है कि आए आए गेस्ट आए, और जितने एक्सपेक्टेड है उतने नहीं आते। तो मुझे कहते हैं कि सचिन भाई बहुत मेहनत हमने किया लेकिन केवल 100 लोग ही आए, आने चाहिए थे 300-400 जाने चाहिए थे। तो वो खुश नहीं रहते 100 लोग आए थे। तो मैं कहता हूँ कितनी अच्छी बात हुई कि 100 लोग आए। मैं 100 लोगों में खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इट इज़ नॉट द क्वांटिटी, इट इज़ द क्वालिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको मज़ेदार घटना सुनाता हूँ। सूरत करके एक सिटी है, आप सबने सुना होगा, टेक्सटाइल मार्केट है गुजरात में। तो वहाँ पे बहुत साल पहले एक मेला किया था। अभी इतने साल पहले मेला करना बहुत खर्चे की बात थी, और उस समय मेले में इन्होंने 3-4 लाख रुपए खर्चा किया था। तो बहुत मेले में खर्चा किया था, तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि बहुत सारे स्टूडेंट निकलेंगे। अभी उस इतने बड़े मेले में एक आत्मा निकली, एक बहन निकली, और सभी लोग सोच गए। उस बहन को कह रहे थे तुम्हारे लिए हमको इतना खर्चा करना पड़ा, लेकिन वो एक आत्मा जो निकली आज 20 सेंटर की इंचार्ज है। सोचो, तो हमको नहीं पता कि ड्रामा में क्या हो रहा है। तो ये जो भगवद गीता का सार सुनाते हैं इसको प्रैक्टिकल धारण करना है। फर्स्ट थॉट हमारा ये आना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बहुत अच्छा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और अच्छा होगा। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है जब पेपर आते हैं। तब पेपर माना क्या होता है, हमारा अटैचमेंट होता है, हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता है, तो हम उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है। देखो लौकिक में भी लोग इस बात को कहते हैं, लौकिक में जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है वो लोग कहते हैं जब आपकी इच्छा के अनुसार हो तो आपको खुश हो जाना चाहिए, और वो होता है जब हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है तो हम खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है ड्रामा तो आपको डबल खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वो परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। देखो कितनी डीप बात है, बहुत गहरी बात है। जिसको ये बात समझ में आ गई
उसके लिए तो ड्रामा बहुत सरल हो जाएगा। अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं राज के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम राजी नहीं है हर क्षण, हर बात, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से, जब तक हम राजी नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब तक हमारे दिल से दुआएं नहीं निकल सकती। शिव भगवान उवाच है, क्योंकि राजी नहीं है तो आप दुआएं नहीं दे सकते। नाराज व्यक्ति क्या दुआएं देगा, उसके दिल से दुआएं नहीं निकलेगी। दुआएं अगर आप चाहते हैं निकले तो राजी होना बहुत जरूरी है, तो इसका कनेक्शन है। इसलिए ड्रामा की हर सीन हमको पसंद आनी चाहिए। और ये शिव भगवान उवाच बाबा ने कहा हुआ है कि ये ड्रामा स्वयं रचयिता को बहुत पसंद है, तो तुम बच्चों को भी बहुत पसंद आना चाहिए। ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है, इसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, इसलिए तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। और यही बात होती है, जब कोई कुछ ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए, लोग निंदा करना चालू कर देते हैं। निंदा करना अज्ञानता की निशानी है एज पर स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ड्रामा में सभी की जरूरत है, रावण की भी जरूरत है ड्रामा में। तो आप ये कह नहीं सकते कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो समझने का कि ये राजा बनने वाली आत्मा नहीं है, एक्सेप्ट करो उसको और उसके प्रति शुभ भावना रखो कि इसका कल्याण हो जाए, ये सुखी हो जाए। यही हमारा कर्तव्य है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे, क्योंकि बाबा यही करता है। आप सोचो, बाबा कितने बार, अभी पिछले कुछ हफ्तों में मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, कई बच्चे सोचते हैं कौन देख रहा है, लेकिन बाबा लास्ट में हर एक को हर सीन दिखा के बताएगा, ये कर्म इसकी ये सजा, ये कर्म इसकी ये सजा। जब इतना बाबा स्पष्ट बोल रहा है, उसके बावजूद भी अगर किसी के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति नहीं आ रही है, तो फिर बाबा क्या करेगा? इसका मतलब वो आत्मा सजा भुगतना चाहती है। आज बहुत अच्छी बात हुई, यहाँ पर हम पुणे में सेवा के निमित्त है अभी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में सेशन था, तो कुछ कारणवश यहाँ पे पुणे बंद था, तो वो स्टूडेंट पहुंच नहीं पाए क्योंकि ऑटो रिक्शा बंद था। तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको थोड़ा फील हुआ, उन्होंने कहा सर सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमारे हाथ में नहीं था। वो बहुत एपोलोजिटिक मूड में थे, तो मैंने उनको प्यार से कहा कि देखो भैया, मेरे भाग्य में सुख लिखा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं सचमुच में थका हुआ था, खांसी रुक नहीं रही है। तो वो भी हल्के हो गए कि ये इतना रिलैक्स है, क्योंकि उन्होंने बहुत 3-4 विंग्स के बच्चों को बुलाया था, साइकोलॉजी के, योगा के, क्लिनिकल काउंसलिंग के, लेकिन पहुंच नहीं पाए सभी बच्चे। तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम रखते, लेकिन वो इतना अच्छा ड्रामा रहा, मैंने उनको कहा जो होता है उसमें कल्याण होता है। तो जाने से पहले हमने सोचा चलो वीसी से मिलते, तो वीसी ने 1 घंटा दिया हमारे पास, और फिर कई सारी प्लानिंग हुई आगे क्या करना है। फिर वहाँ के एक बहुत अच्छे वक्ता, उनसे भी मिले जो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देता है, और आश्चर्य मुझे तब लगा कि वीसी को जब हमने सौगात दिया, तो वीसी ने भी कहा मैं किसी को ऐसे ही नहीं लेता, मैं कुछ रिटर्न में देता, और उसने भगवत गीता का किताब मुझे दिया। तो भगवत गीता हर जगह से मिल रही है, ये सब हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आज भी एक आत्मा मिली, वो बहुत वरिष्ठ आत्मा है पुणे की, उनकी भी उम्र 82 है, लेकिन उमंग उत्साह देखते बनता है। और उन्होंने भी कहा कि हमारे घर पे एक भगवत गीता है, पोएट्री है पूर्ण, वो हमारे लौकिक में लिखी हुई है। आपको पता हो पहले गीता के ऊपर एक कंपटीशन किया था जगदीश भाई ने, और उसमें नंबर 1 इसको मिला था इनके।
लौकिक को, तो वो किताब मेरे को देना चाहते हैं। तो 2 दिन में मुझे 3 भगवद गीता के किताबें मिल रही है। अब ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये ड्रामा हमको समझने में टाइम लगता है। लेकिन जिस दिन आप इस नॉलेजफुल स्टेज में चले जाओगे कि जो होता है उसमें कल्याण है, तो आपको ये कोइंसिडेंसेस, हम इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंक्रोनो डेस्टिनी। ये डेस्टिनी सिंक्रोनाइज होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ये सब घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। जो फ्रीक्वेंसी आपकी जा रही है आपके द्वारा, वैसी ही बातें आपके जीवन में होने लगेगी। अगर कोई गुस्सा करने वाला है तो उसको गुस्सा करने वाले लोग ही मिलेंगे। ये कैसे होता है, ये बहुत सूक्ष्म है, इसका विस्तार भी है, लेकिन समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जाऊंगा। अभी मैं दिन भर भगवद गीता के ऊपर चिंतन करता हूँ, श्लोक चिंतन करता हूँ, और कैसे सिंप्लीफाई करके लोगों को भगवद गीता सुनाऊँ, ये सोचता रहता हूँ। तो भगवद गीता और उससे जुड़े हुई बातें ही जीवन में अट्रैक्ट होती है, ये भी है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सोचो अगर कोई व्यक्ति बाबा की याद में रहे तो वो कितनी बड़ी बात को अट्रैक्ट करेगा। कोई व्यक्ति पूरे विश्व को कंटिन्यूस सकाश देता रहे, विश्व की सर्व आत्माओं को, तो वो सोचो कितनी आत्माओं की दुआएं उसको मिलेगी। तो आज की मुरली को अगर प्रैक्टिकल लेना है तो यही है, पूरा प्रिंसिपल आज की मुरली में आया है, सिंप्लीफाइड स्पिरिचुअलिटी। आपको कुछ नहीं आता है, बाबा ने एक ही स्लोगन बोला है, ना दुख दो ना दुख लो। ये 50% हो गया, 50% है सुख दो और सुख लो। तो बाबा ने हमको ये टारगेट दिया है कि बच्चे तुम मेरे हो, मैं सुख करता दुख हरता हूँ, तो मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए? तो मेरे बच्चे मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, तो जो स्वयं सुख स्वरूप है वो दूसरों को दुख कैसे दे सकते हैं? तो इस स्वमान में आज दिन भर में रहना है कि मैं सुखदाता शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे द्वारा हर एक आत्मा को मर्यादा में रहते हुए सुख मिलना चाहिए। अभी सुख देने के लिए मर्यादा क्रॉस नहीं करना है, डेफिनेटली ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, नाराज नहीं होना है, लेकिन मर्यादा क्रॉस करके सुख देने को नहीं जाओ, है ना, बिचारे को बुरा लगेगा, इसलिए आप अपनी मर्यादा नहीं छोड़ो। मुझे बहुत वंडर लगा जब कुछ माताएं अपने पति को बुरा लगेगा जब वो विकार की मांग करते हैं, तो उस समय वो हल्के हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, बाबा ने पवित्रता में हल्का होने को नहीं कहा है। तो मर्यादा क्रॉस करके सुख नहीं देना है, मर्यादा में रहते हुए सुख देना है, नहीं तो शोक वाटिका में चले जाएंगे। जो सीता से गलती हुई वो हमसे नहीं होनी चाहिए। सीता का इंटेंशन अच्छा था कि ब्राह्मण है भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन गलती ये हुई कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस किए। तो ये मर्यादा की लकीर क्रॉस करके किसी को सुख नहीं देना है, किसी को पैसे की मदद और किसी की मदद, आपको बहुत संभाल के चलना है। कलयुग का अंतिम समय है तो नए अकाउंट्स क्रिएट नहीं करनी है, परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। तो मास्टर सुखदाता के समान में रहकर बैलेंस में चलना है। आज बाबा ने बैलेंस की बात भी कही है, कौन सा बैलेंस? तो हर्षित मुक्ता और गंभीरता का। अभी होता क्या है, कुछ बाबा के बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, मैं देखता हूँ। अभी गंभीर रहना अच्छी बात है, लेकिन गंभीरता में रुक्षता नहीं होनी चाहिए, अंदर से प्रसन्नता चाहिए। भले कम बोले, गंभीर रहे, सिंसियर रहे, ये अच्छी गुण है, लेकिन अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए। ज्यादा बहिर्मुखता में भी नहीं आना चाहिए और ज्यादा रुक्षता में भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए बाबा ने ये बैलेंस कहा है, हर्षित और गंभीरता। हमारे जगदीश भाई बहुत गंभीर थे, लेकिन वो मुस्कुराते भी थे। एक सीन सुनाता हूँ, हम वलसाड में थे, उनका सेशन था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उस समय हम वलसाड गुजरात में थे, तो साथ में थे। सेशन पूरा हुआ, सबके लिए नारियल लाया, नारियल पानी,
तो नारियल दिया था, तो मेरे को भी आया। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। तब उन्होंने सुना कि ये डॉक्टर ने मना किया, मेरे पास आए और मुझे बोला, देखो डॉक्टर साहब, इसका नाम नारियल है लेकिन इसके अंदर जो है वो रियल है, इसलिए आप पियो। तो मुझे बहुत हंसने को आया, फिर सभी हंसे और मैंने भी वो स्वीकार किया। तो भले गंभीर थे लेकिन वो हर्षित भी थे। तो गंभीरता और हर्षितता का बैलेंस रखना है आज की पूरी मुरली, मुझे ऐसे लगता है अपने आप को राजी खुशी रखना है, राजी रहना है, ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार करना है और किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, कंप्लीट बनना है, अपना सब कुछ बाबा के ऊपर बलिहार करके जाने से पहले सब हिसाब किताब चुक तो करना है, सबसे माफी मांगनी है, माफ करना है और हर कदम पर बाबा की डायरेक्शन पर चलते रहना है, निर्मोही ही बनना है, तभी हम ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।